So students, this is the layout of our web page जो आज हमने create करना है. इसमें देख रहे हैं आप लोग के क्या है आपके पास. एक ये section है, एक ये section है जिसमें image लगी है, एक ये section है, एक ये section है, this one and this one. So students, हमने करना क्या है basically, सबसे पहले अपने mind में एक sketch draw कर लें कि हम किस तरीके से ये वाला काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. अब इसके लिए अगर आप देखें तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आता है रोज एंड कॉलम्स का. अगर आप देखें तो ये फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इसका मतलब है चार आपके पास जो है वो रोज हैं और कॉलम, कर्सर को देखें मेरे, 1, 2, 3 एंड देन 4. ये हमारे पास जो है वो 4 रोज हैं और 4 जो है वो हमारे पास कॉलम्स हैं. अगर मैं आपको थोड़ा सा ड्रा करके दिखा दूं, जो बेसिकली ये देखें हमारे पास ये सेक्शन, एक ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये हमारे पास टोटल 4 कॉलम्स और हमारे पास ये 1, 2, 3 एंड देन 4. ये 4 हमारे पास जो है वो रोज जो हैं वो हो गई. ये आप नजर आएगा आपको 1, 2, 3 एंड 4. ये 4 कॉलम्स हमारे पास हो गए और इसी तरह हमारे पास 4 रोज एग्जिस्ट कर रही हैं. ये देखें, आप देखें, आप बेसिकली अगर माइंड में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लाएं, इसका मतलब है हम क्या करेंगे, हम 4 रोज क्रिएट कर लेंगे, 4 कॉलम. अब पहली वाली जो रो होगी उसने कितने कॉलम की जगह लेनी है, 1, 2, 3, 4, यानी वो फुल विड्थ में आ जाए. इसी तरह सेम ये, इसको हम कहेंगे ये हमारा हेडर है और दिस वन इज फुटर. उसके बाद हमारे पास ये वाली लाइन आती है. इस लाइन में क्या है, इस लाइन में जो आपके पास रो है वो जो सेकेंड रो है उसमें कॉलम में तो सेम सेम आएगा, लेकिन जो ये वाली है इसने क्या करना है, इसने 1, 2, 2 रोज की आपकी बेसिकली इसने क्या कर लेनी है, स्पेस ले लेनी है. तो ये यहां से लेकर यहाँ तक का एक ब्लॉक आपका कवर हो जाएगा. और जो ये वाला ब्लॉक है इसने बेसिकली क्या करना है, इसने हमारी ये वाली रो ही लेनी है. अच्छा, ये वाला जो मैंने लाइन लगा दी है, मिस्टेकनली लगा दी है, बेसिकली ये इधर आती है आपकी लाइन. इसको मैं रेस कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. सॉरी, जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था कि हमने किस तरीके से जो है वो ड्रा किया अपना. ये था हमारा कॉलम जी. तो ये था, आपको इससे कल क्लियर हो रहा है कि ये दो दो हैं, इसने क्या करना है, इस पूरे वाले, इसको हम साइड बार का नाम दे देते हैं. ये हमारे पास हेडर हो गया, ये हमारे पास फुटर हो गया, यानी इस साइड बार ने क्या करना है, दो आपके पास रो की जगह लेनी है, जबकि ये तीनों वैसे की वैसे ही हैं. और इसने क्या करना है, इस वाले कंटेंट में जो थोड़ा बड़ा है, इसने 1, 2 एंड 3 कॉलम्स की इसने क्या करनी है, इसको हम विड्थ दे देंगे. और आपको भी पता है कि ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली हम कोल स्पैन या रो स्पैन की जो प्रॉपर्टी होती है हम बेसिकली वो कवर कर रहे होते हैं. अब मैं आपको थोड़ा सा ये देखिए, हमारे माइंड में एक स्केच सा हमारे माइंड में अभी आया हुआ है, तो इस स्केच को, अब इस स्केच को अपने माइंड में रखें. सबसे पहले हमारे पास एक हेडर होगा, एक फुटर होगा, साइड बार, तीन छोटी डिव्स, उसके बाद एक बड़ा कंटेंट. ठीक है, ये चीज है. अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं. ऑलरेडी ओपन है, कंट्रोल एन किया, नया, कंट्रोल एस करती हूँ, बल्कि इसको सेव एस कर लेती हूँ पहले. अब ये मैंने वेब के फोल्डर में क्रिएट कर रही हूँ डिव. हम आज सेकंड लेक्चर है तो डिव सेकंड, डिव का आज सेकंड है तो डिव सेकंड मैंने लिख दिया. और इसको मैंने यहाँ से क्या करना है, ऑल फाइल्स में जाना है, देन यहाँ से मैं क्या करूँगी, सेव कर दूंगी. अच्छा, सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने एक CSS की फाइल बनानी है. कंट्रोल एन किया, नई फाइल क्रिएट हो गई, फिर सेव एस किया उसको. सेव एस करने के बाद मैं अब नई फाइल बनानी है, डिव सेकंड है तो मैं सेकंड नाम दे देती हूँ, second.css. और यहाँ से मैं सिंपल क्या कर लूंगी, यहाँ से ऑल फाइल्स में चली जाऊंगी,
all types में, तो ये यहाँ से CSS की फाइल स्टोर हो गई और ये div second की. सो स्टूडेंट्स अपना लेआउट ड्रा करने के लिए सबसे पहले, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, ये ले आप, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम लिखते हैं HTML. HTML लिखने के बाद दूसरी लाइन पे हमने क्या करना है, हमने लिखना है हेड का टैग. क्लियर, हेड के टैग के अंदर हमारा बेसिकली आता है टाइटल. अब टाइटल हम क्या कर रहे हैं, डिव की एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल कर रहे हैं क्योंकि कल हमने पहली एग्जांपल की थी, तो ये हमारे पास टाइटल हमने लिख दिया. नेक्स्ट हमने क्या करवाना होता है, लिंक करवाना होता है अपनी स्टाइल शीट की. अब उसके लिए href, उसके बाद डबल इक्वल और डबल कोटेशन, इसको मैं ब्लैंक छोड़ी हूँ, बाद में इसको फिल करूंगी. उसके बाद टाइप हमारे पास क्या होगी, टेक्स्ट css arial इक्वल हमारे पास हो जाएगी स्टाइल शीट, और फिर यहां से ये लिंक का टैग सिंगल टैग होता है, इसको हमने क्लोज कर दिया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने स्टार्ट करनी है अपनी बॉडी. बॉडी में जाने से पहले हम क्यों ना इसका लिंक दे दें हम यहाँ पर, तो सिंपल हमने क्या करना है, हम अपने वेब के फोल्डर में जाएंगे, ये हमारा वेब का फोल्डर है, वेब के फोल्डर में, सॉरी डेस्कटॉप पे जाना है हमने, और डेस्कटॉप पर हमारा वेब का फोल्डर ये दिस वन. अब इसमें हमारे पास सेकंड के नाम से ये है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं देखें इसके ऊपर सिंपल क्लिक करती हूँ तो ये यूआरएल कॉपी, कंट्रोल सी कर लिया यहाँ से, और यहाँ पर आ जाना है हमने, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर दें, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साथ साथ फिर दोबारा हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया सेकेंड डॉट css, तो कंट्रोल एस किया, तो ये हमारे पास ये वाली फाइल जो थी स्टोर हो गई. अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, बॉडी, मुझे लगता है हमने इसकी एक्सटेंशन नहीं दी, तो ये देखेंगे बिल्कुल भी ब्लैंक शो नहीं हो रहा, तो इसकी सबसे पहले एक्सटेंशन चेंज कर लेते हैं. डिव सेकंड देखें, मैंने ऑल टाइप्स किया था लेकिन डॉट html नहीं दिया, तो वो डॉट डिव सेकंड डॉट html, क्योंकि ये हमारा html का डॉक्यूमेंट से, ये देखें क्लास. अच्छा अब हमने क्या किया, सेकंड हो गया हमारे पास, ये फाइल स्टोर होगी बॉडी, बॉडी में आ गए हमने सबसे पहले, सॉरी हेड का टैग जो है वो अपना क्लोज कर दिया. फिर हमने स्टार्ट किया बॉडी का टैग, बॉडी के टैग के अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं मेन का टैग. मेन का टैग यूज होता है यानी मेन कंटेंट हमारा जो है, इसकी स्टाइलिंग कर देंगे ना हम, तो इसलिए हमने मेन का टैग लिख दिया. मेन के टैग के अंदर हम डिव बना लेते हैं एक डिव. अब डिव गिनने होंगे कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इसका मतलब है 7 डिव्स हमने टोटल बनानी है, तो हम 7 डिव बना लेते हैं ऐसे ही, डिव. वन कंट्रोल सी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिव्स हो गई. अब इस डिव के अंदर हम, क्योंकि स्टाइलिंग करनी होगी बेसिकली हमने, तो इस डिव के अंदर हम क्लास असाइन कर देते हैं. ये क्लास जो है वो हमारी कौन सी है, डिव वन की. इसी तरह ये वाली बेसिकली हमारी क्लास जो है, ये हम कह देते हैं ये हमारे पास डिव टू है. स्टाइलिंग करने में आपके लिए आसानी होगी, बहुत आसानी होगी. क्लास इक्वल टू, ये हमारे पास आ गई div 3. नेक्स्ट हमारे पास ये आ गई क्लास इक्वल टू div 4. नेक्स्ट हमारे पास दिस वन इज क्लास इक्वल div 5. नेक्स्ट वन क्लास इक्वल div 6, राइट. नेक्स्ट क्लास इक्वल div 7. ये हमारे पास div क्रिएट हो गई जिनको हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया. इसके अंदर हम कोई कंटेंट नहीं लिख रहे, हमें पता होना चाहिए कि किस के अंदर कौन सा कंटेंट लिखना है, फिर हम उसको उस तरीके से सेट करेंगे. सबसे पहले हमारी div है हेडर की,
सही है। हेडर के अंदर हम यहां पर लिखेंगे वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर वेब टेक। अब उसके बाद आप देखें अगर इस लेआउट में वेब सिस्टम टेक्नोलॉजी के बाद डिव 1, 2, 3, 4 ये वाली 5 होगी, फिर ये 6 होगी। अब 1, 2, 3, 4 में पिक्चर्स हैं, इसका मतलब है हमने यहाँ पर इन 2, 3, 4 में कुछ नहीं लिखना। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली साइड बार है ये वाली, तो इधर हमारे पास क्या आएगी, साइड बार है, तो इधर हमने उन्होंने कुछ भी ऐसे लेटेस्ट न्यूज या कुछ भी आपका लिखा हुआ है, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं, हम लोग भी यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन क्लिक फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। अच्छा ये करने के बाद मैं यहाँ पर br का टैग यूज कर लेती हूँ। br के टैग ने क्या किया, फर्दर इंफॉर्मेशन के बाद उसको स्प्लिट करके नीचे ले आया। नीचे लाने के बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ होम, फिर br का टैग, होम के बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ था अबाउट अस, तो देन हम भी यही लिख लेते हैं, फिर br का टैग यूज कर लिया। अबाउट अस के बाद उन्होंने लिखा हुआ था सर्विसेज, सर्विसेज लिख दिया, उसके बाद br का टैग, नेक्स्ट हमारे पास सर्विसेज के बाद ब्लॉग है या जो भी है, हमने ब्लॉग लिख दिया। जी स्टूडेंट्स ये हमने कर दिया। उसके बाद हमारे पास डिव 6 है जो हमारा मेन कंटेंट है। अब डिव 6 जो हमारा मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट में आपने देखा कि हमारे पास एक वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी की का पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो हम भी वेब की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सिंपल हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं, वेब इंफॉर्मेशन सिस्टम और वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम है वर्ड, सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट यूजेस इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजीज टू डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेस टू यूजर और अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मैंने छोटी सी एक डेफिनेशन वेब की लिख दी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिव 7, ये हमारा फुटर है, इधर आप अपनी ईमेल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखती हूँ, अपने ईमेल लिख देती हूँ, बल्कि अपनी ईमेल लिखने से बेहतर है मैं यहाँ पर cmeinfo.cme@gmail.com ये मैंने ईमेल लिख दी। इसको मैं करती हूँ कंट्रोल एस, ये हमारा लेआउट। अगर मैं इसको, हम इसको देखें तो इसकी अभी कोई स्टाइलिंग नहीं हुई हुई, देन ये हमारा डिस्प्ले शो ठीक तरीके से नहीं करेगा। हमने डिव एग्जांपल के नाम से किया था, इसको ओपन कर लेते हैं। सॉरी डिव एग्जांपल ये तो हमारा कल का था टास्क, डिव सेकेंड के नाम से आज सेव किया था दिस वन। ये हमारे पास देखें अब क्या है, हमारे पास वेब सिस्टम, फर्दर इंफॉर्मेशन, होम अस, ब्लॉग, वेब सिस्टम की ये पूरी डेफिनेशन है, और ये उसके बाद हमारे पास सिंपल ये चीज शो हो रही है ऐसे। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसकी डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसी तरह का लेआउट बनाने के लिए हम जाएंगे अपनी सेकेंड सी एस एस की फाइल में।
सेकंड सीएसएस की फाइल में जाने के बाद हमने क्या करना है बेसिकली, एक दफा हम दोबारा से इधर मूव कर लेते हैं और हम देख लेते हैं, हमने डिप तो क्लोज कर दी, बाकी टैग भी तो क्लोज करने हैं। हमने मेन का टैग क्लोज करना है, हमने बॉडी का टैग क्लोज करना है, हमने HTML का टैग क्लोज करना है, तभी हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए सेकंड सीएसएस की फाइल में। इसमें हमने क्या किया, ये जो हमने मेन बनाया हुआ था उससे पहले हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी पे करने के लिए मैं लगाती हूँ स्टेरिक, पूरी बॉडी पे हो जाएगा इस तरह, मार्जिन 0, पैडिंग, ये वो चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, पैडिंग किस लिए यूज करते हैं, मार्जिन किस लिए, तो मैं बार बार इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। बॉक्स साइजिंग, ये भी हमने लास्ट देखा था, बॉक्स साइजिंग, डबल जी लिखा दिया था मैंने, बॉर्डर, ये ब्लैक क्यों शो हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाए, बॉर्डर बॉक्स, इसके बाद टेक्स्ट अलाइन, हमारे पास है बेसिकली सेंटर, इसके बाद फॉन्ट फैमिली, ये हमारे पास, हम कोई भी फॉन्ट दे सकते हैं, मैं देती हूँ गोजी फॉन्ट, और इसकी स्टाइलिंग कर्सिव, ये मैंने दे दी, इसको थोड़ा सेव करते हैं। नेक्स्ट हम इधर इसको देखते हैं कोई इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, ये हमारी ये है बेसिकली, ये देखें फॉन्ट चेंज हुआ और दरमियान में भी टैग हमारा जो था वो मार्जिन और ये टॉप पैडिंग इफेक्ट होना शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने आना है, हमारे पास मेन था, मेन का टैग, मेन की यानी जो मेन है हमारे पास उसमें क्या हो, विड्थ जो हो वो हमारे पास 75% मार्जिन 50 पिक्सल ऑटो कर देते हैं, उसके बाद बॉर्डर दे देती हूँ मैं, बॉर्डर 2 पिक्सल दे दें या 1 पिक्सल चलें, सॉलिड ग्रे जो मर्जी आपकी मर्जी है आप बॉर्डर दें। डिस्प्ले किस तरीके से हो, ग्रिड की फॉर्म में, ग्रिड और लिस्ट व्यू आपको दोनों का पता है, कलर नहीं पता तो सिंपल इंटरनेट पर लिखेंगे आप तो आपके सामने सारी आ जाएगी इंफॉर्मेशन। वाइट कलर सेमी कॉलन, उसके बाद अच्छा ग्रिड टेम्पल रो और ग्रिड टेम्पल कॉलम, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। इससे क्या होता है बेसिकली इससे बेसिकली आपकी ये प्रॉपर्टी है बेसिकली जो आपके पास हमारे पास आती है रिपीट में, ग्रिड की फॉर्म में जो भी लेआउट बनाना है तो हमारे पास कॉलम या रोज में आपके पास आ रही होती हैं, तो उस पर्पस के लिए हम ग्रिड टेम्पल रोज एंड ग्रिड टेम्पल कॉलम की प्रॉपर्टी लिखते हैं, जिसमें हमने तो सारा का सारा हमने बताना होता है। ग्रिड टेम्पल देखें खुद ही आने लग जाता है वो, टेम्पलेट ग्रिड टेम्पलेट रोज के, आपके पास जो रोज हैं बेसिकली आप उनको सेट करना चाह रहे हैं ना, तो उनको किस तरीके से, ग्रिड टेम्पल रो आप कितनी कितनी होंगी चारों साइड से आप देंगे 60 पिक्सल। अच्छा ये देख लें, अब आप रो बना रहे हैं, पहले ये देखें ग्रिड टेम्पल आपने किस किस फॉर्म में बनानी है, रोज की फॉर्म में, रोज आपके पास क्या है 1, 2, 3, 4, इसका मतलब है देखें जो आपके पास फर्स्ट वाली है और फोर्थ वाली, चार रोज है ना आपके पास तो चारों आपने देनी है, फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली का साइज इक्वल, सेकंड वाली और थर्ड वाली में डिफरेंस क्या है, सेकंड वाली इन दोनों से ज्यादा होगी और थर्ड वाली सबसे ज्यादा, इसका मतलब है हम इस तरीके से देते हैं, अगर हम इसको 60% देते हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट है ये हमारी, सेकंड जो है वो हमारी थोड़ी ज्यादा है तो हम उसको कहते हैं वो हमारा 100% है, वो उससे डबल है जो हमारी थर्ड वाली है तो हम उसको 200%, और जो लास्ट वाली हमारे पास है वो इक्वल है फर्स्ट के तो वो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया 60%। देखें ये क्या होगा 60, 60, 100 एंड 200,
ये जो चीज है ये इससे, ये वाली जो चीज है ये डबल है इससे, तो हमने उस तरीके से अपनी रोज को आपने सेट कर दिया। अब आपने क्या करना है, जिस तरह आपने ग्रिड टेम्पल रोज लिखा है बेसिकली इसी तरह आपने क्या करना है, ग्रिड टेम्पल कॉलम लिखेंगे। कॉलम भी हमारे पास चार ही हैं, तो यहां से मैं कॉलम कर देती हूं। अच्छा कॉलम्स, अब कॉलम में हमारे पास चार कॉलम है। अब कॉलम में अगर हम देखें तो 1, 2 एंड 3, ये तीनों कॉलम इक्वली हैं, इक्वली है ना हमारे पास। फोर्थ वन वाला जो है वो थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि इससे आपने अंदाजा लगाना है ना, ये एक कॉलम है, ये दो कॉलम है, ये तीन, क्योंकि ये तो तीन कॉलम की जगह ले लेगी ना, ये भी तीन कॉलम की जगह ले लेगी, ये तो पूरी जगह, इसका मतलब है ये कॉलम छोटा है बाकी ये तीन इक्वल है। इस तरह अगर हो कि तीन चीजें आपकी सेम आ रही हो, तो आप यूज करते हैं प्रॉपर्टी रिपीट की। आपने सिंपल क्या लिखना होता है, रिपीट 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 कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, यानी तीन आपकी जो है, और वो क्या करे उसको हम क्या कर देते हैं, फ्रैक्शन हम करते हैं, तो 1 FR, FR स्टैंड पर फ्रैक्शन में आएगा अब। और बाकी जो अगली वाली है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो जाए, 150 पिक्सल, पिक्सल दे रहे हैं इसको, परसेंटेज नहीं। अच्छा ये परसेंटेज की बजाय भी ना इधर भी आप पिक्सल कर लें ज्यादा बेटर होगा, परसेंटेज तो फिर बहुत ज्यादा परसेंटेज में चला जाएगा। इधर भी आप पिक्सल और इधर भी पिक्सल कर लिया हमने, कंट्रोल एस कर रही हूँ साथ साथ। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रिड। आप देखें एक चीज, आप इसको मैं जरा ऐसे करती हूँ और कंट्रोल एस करती हूँ, जी स्टूडेंट्स। अच्छा तो हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, अब हम लोगों ने यहाँ से किया इसको, अब उसके बाद इसको कंट्रोल एस करते हैं, देन हम दोबारा से जाते हैं यहाँ, थोड़ा सा देखते हैं, ये देखें एक डिफ सा आ गया, आगे अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने डिफ नहीं ना बेसिकली अभी सेट नहीं की हुई ना, तो इसलिए अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखा हुआ, उनकी चीजें नहीं लिखी हुई इसी तरीके से। अच्छा उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है डॉट डिव वन, है हमारे पास टोटल 7 डिव्स हैं, तो 7 डिव की 7 डिव्स करनी है। डिव वन, अब उसके लिए ना सबसे पहले मैं अभी पिक्चर्स नहीं लगा रही, मैं सिंपल ना बैकग्राउंड कलर लिखती हूँ ताकि हमारी कलरिंग आ जाए, उसके बाद हम उसमें इमेजेस इंसर्ट कर लें। डिव वन में बैकग्राउंड कलर, कोई भी कलर कोड आप यहाँ जाएं, यहाँ से आप HTML कलर कोडिंग में, कलर कोड्स में चले जाएं, यहाँ से आपको बेशुमार कलर मिलेंगे। आप जो है सिंपल आपने क्या करना है, W3 स्कूल में चले जाएं, जहां जो भी कलर आपको पसंद आएगा, बहुत ज्यादा कलर्स इसमें अवेलेबल हैं, सिंपल वो वाला कलर आप पिक करें। ये देखें यहाँ पर डिफरेंट वेरिएशंस कलर की हैं, सबसे पहले मुझे ये कलर थोड़ा पसंद आया है, तो मैं इसको कंट्रोल सी कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, ये कलर कलर पेस्ट कर दिया, क्लियर। अच्छा बैकग्राउंड कलर, इसी को जितनी भी है 7 डिव्स हैं सबकी होनी चाहिए ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी सॉरी 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 7 डिव्स हैं, तो हमने यहाँ से 4, 5, 6 एंड देन 7, ये हमारे पास जो है 7 डिव्स हमारे पास आ गई। अब उसके बाद इनके भी सबके बैकग्राउंड कलर चेंज करने पड़ेंगे, हमें 7 चाहिए कलर्स, तो एक कलर हम ये वाला ले लेते हैं, V। चलें कोई येलो कलर भी ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद ग्रीन कलर, उसके बाद ये ऑरेंज सा कलर ले लेते हैं। बस मैं ऐसे रैंडम से ही कलर ले रही हूँ, ताकि क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पर कलर चेंज करने हैं, कुछ कुछ जगहों पर हमने, ये कोई डार्किश से कलर ले लेती हूँ, ये वाला कलर,
जितनी चॉइस होती है कलर की, आपको जो कलर पसंद आए देन आप लोग वो वाला कलर चूज करें। मुझ पर बिल्कुल मत जाइएगा कि मैं जो कलर चूज करी हूँ आप भी वही करेंगे। कंट्रोल एस किया, थोड़ा सा लेआउट इसका देखेंगे, लेकिन अभी भी क्योंकि हमने उसकी सेटिंग नहीं की हुई देन वो हमारे पास जो है वो से शो ऐसे नहीं होगा। देखते हैं, ये देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। अब हमने इसको सेट करना है कलर्स को। सबसे पहला हमने क्या क्या काम करना है कि जो हमारा ये वाला है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आए, यानी इसने क्या करना है, इसने फ्रैक्शन लेनी है। अगर पूरी जितनी भी विड्थ हो वो करने के लिए ना बेसिक सिंपल सा हमारे पास लाइन होती है, हम क्या करते हैं ग्रिड कॉलम, क्योंकि सारे कॉलम्स उसने लेने हैं ना, कॉलम्स नहीं कॉलम, ग्रिड कॉलम वन माइनस वन। माइनस वन का मतलब होता है वो बाय डिफॉल्ट उसको सेट कर देगा पूरे को। कंट्रोल एस करती हूँ, ये देखें सेट हो गया। इसी तरीके से हमने क्या करना है, हमारा जो लास्ट वाली सेवन डिव है ये भी हमने ऐसे करना है ग्रिड। इसी को कॉपी कर लेती हूँ बजाय इसके के लिखूं सी कंट्रोल वी कंट्रोल एस। ये हमारे पास इसको करती हूँ, ये देखें अब हमारे पास ये तीन सेट हो गई हुई हैं। हमारे पास ये देखें ये तीनों भी सेट है, इनको बाय डिफॉल्ट हमें करने की जरूरत ही नहीं है ये तीनों। अब हमने क्या करना है, इसको लंबा करना है और इसको पूरा वेब यहाँ तक आना चाहिए। तो हमारे पास हमें अब हमने किधर जाना है, टू थ्री फोर को छोड़ के हमने जाना है फाइव वाली डिव में। फाइव वाली डिव में आ जाएं आप, फाइव वाली डिव में आपके पास क्या है ग्रिड रो, ग्रिड रो। अब ग्रिड रो पहले जैसे स्पैन की प्रॉपर्टी होती है तो साइड बार, अब ग्रिड रो क्या है, कितनी रोज की जगह लेगा ये, वन एंड टू, टू रोज की जगह लेनी है और इसका क्या होगा वन टू, यानी टू थ्री और ये फोर, क्लियर ऐसे ही है। इसका मतलब है हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है टू ओवर फोर, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम इसने क्या करने हैं, अब ये लास्ट पर है ना फोर बाय फाइव, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फोर बाय फाइव, ये हमारे पास आ गया। इसको कंट्रोल एस करते हैं और थोड़ा सा इसका अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ा। ये देखें ये हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज सेट हो गई। अब हमने इसको करना है, इसको भी ऐसे करेंगे, अब देखेंगे वन टू थ्री है तो हमने यहाँ से क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी किया, इधर आ गए हम इधर कंट्रोल वी। अब इधर हमने क्या करना है सिंपल, इधर हम ग्रिड कॉलम वाइज रो वाइज तो वो सेट, उसको कॉलम वाइज हमने सेट करने है ना कॉलम, रो वाइज तो वो ऑलरेडी कंटेंट जो है वो आपका बड़ा ही है रो वाइज आपने, लेकिन क्योंकि पिक्सल दे दिए कॉलम वाइज उसको सेट करना है, इसलिए हमने यहाँ से रो वाइज सेट करने की जरूरत नहीं है, कॉलम वाइज सेट करने की जरूरत है। अब कॉलम वाइज कैसे सेट होगी, वन टू थ्री एंड फोर, यानी इसने इसने क्या करना है, इसने करना है वन बाय फोर बेसिकली। कंट्रोल एस किया, अब देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कंटेंट आपका आ गया। अब इसमें देखें अब कितना ब्यूटीफुल आपका ये लग रहा है अगर आप इसके साथ कंपेयर करें। अच्छा अब देखें इसमें थोड़ा सा गैप है, ऐसे ही है। इस गैप को बनाने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, अपने कोड में जाएं, गैप बनाने के लिए यहाँ पर होती है प्रॉपर्टी, ये मेन में होगा ना क्योंकि मेन वाले टैग में आपने ये मेन में होगी ये सेटिंग सेट करने के लिए, जैसे पैडिंग बेसिकली आपकी होती है। आप लिख दें यहाँ पर सिंपल सा कोड है ग्रिड गैप, ग्रिड गैप प्रॉपर्टी का नाम है। अब जितनी आपने 20 पिक्सल दे के देखती हूँ कितना होता है, 30 दे दें, अगर 20 पिक्सल बहुत छोटा अगर आपका होता है तो आपको नहीं सही लग रहा तो आप जो है वो ये लें क्लास, ये आपके पास आ गया इस तरीके से। अब देखें वेब सिस्टम और ये आपके पास थोड़ा नीचे को होना चाहिए ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर जाते हैं अपने ये वाले टैग में, यहाँ पर हम बी आर का टैग यूज कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे शो होगा वेब वाला जो है, इसको मैं दो दफा बी आर लिख लेती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा उसके बाद ये देखें ये वेब सिस्टम टेक्नोलॉजी दिस वन, ये भी थोड़ा सा अगर नीचे अगर आपने करना है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन का तो इधर भी आप बी आर कितना ब्यूटीफुल आपका लेआउट बन रहा है सिंपल सा, ये देखें ये हमारे पास आ गया। अब हमने तो यहाँ पर क्लास इमेजेस लगानी थी
अच्छा, और लेकिन हमें यहाँ पे कलर लगाए हुए हैं। अब इमेज लगाने के लिए हमने फिर दोबारा से इधर जाना है। इमेज के लिए हमने सबसे पहले अपनी डिव आइडेंटिफाई करनी, हमारी वो डिव है 2, 3 एंड 4 इमेज लगाने के लिए। अब इमेज लगाने के लिए आपके पास जो इमेज लगाने के लिए प्रॉपर्टी होती है ना, वो सिंपल आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हटा के आप लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे आप। उसके बाद आपने लिखना होता है यू आर एल, छोटी ब्रैकेट डालनी होती है, डबल कोटेशंस, फिर डबल कोटेशंस, और इसको आपने बंद करना होता है ये। अब इधर यू आर एल आपका आएगा। अब मैंने जो है वो वेब के फोल्डर में यहाँ पे पिक का फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें मैंने 3 इमेजेस ऑलरेडी रख दी हैं, 1 है, 2 है एंड 3। सबसे पहले आप क्या करें, इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं, देख लेंगे जेपीजी है या पीएनजी है। ये है जेपीजी और ये 1 है। अच्छा, इधर से यू आर एल कॉपी किया कंट्रोल सी और इधर लाके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर पिक के फोल्डर में 1.jpg कंट्रोल एस किया, देन हमने इसको रिफ्रेश किया। देखें अफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब पता क्या होता है कि ये वाला जो है सीएसएस में इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ से मैं इसको, देखिएगा आप ये चीज देख लीजिएगा, वहां से जब पाथ कॉपी कर रहे होते ना वो, तो नहीं वो ले रहे ये होता, इसको ये ले, ये आपकी इमेज जो है वो शो हो गई स्क्रीन पर। इसी तरह आपने दूसरी इमेज का देख लेना है, दूसरी जो आपकी इमेज है वो क्या है, आप देखें दूसरी मेरी इमेज जो है ये पीएनजी है और उसके बाद 3 वाली जेपीजी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से, क्योंकि एक ही फोल्डर में पड़ी हुई हैं चीजें, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ पूरे के पूरे लाइन को ही, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी, देन यहाँ पर भी कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पर जो है ये वाली इमेज ये 2.png है और ये वाली इमेज 3.jpg ही है। कंट्रोल एस किया, मूव किया उधर, तो क्लास ये देखेंगे आपकी इमेजेस जो हैं ये सेट हो गई, तीनों इमेजेस आपकी यहाँ पर प्लेस हो गई, लग गई। आप यहाँ पर अपने कलर्स चेंज कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप, और स्टाइलिंग करना चाहें आप बेसिकली इस लेआउट में कर सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत सा आपका लेआउट जो है ये बना है। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो बॉर्डर है इसका कलर, और अगर आपने और पिक्सल में अगर आपने इसको देना है तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बॉर्डर क्या दिया था, 1 पिक्सल, तो आप इसको करें जरा 6 पिक्सल करके देखें, ग्रे की जगह यहाँ पर सॉलिड ग्रीन करें कंट्रोल एस, तो आपको यहाँ से बॉर्डर का ये लें जी, ये आपका बॉर्डर जो है वो भी शो हुआ। डिफरेंट आप कलर्स देना चाहें, अगर इनको भी आप ये वाले डिव्स को भी बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन बॉर्डर से इतना खास नहीं लग रहा तो इसलिए, और ये ग्रे ही अच्छा लगेगा, ग्रीन अजीब सा लग रहा है कलर, ग्रे अच्छा लग रहा है और ये बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, तो इसको हम 4 पिक्सल दे देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का डिव का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से अपनी डिव को सेट कर सकते हैं अपना वेब पेज। ये देखें छोटा सा मिनी वेब पेज है, आप इधर कोई भी इंफॉर्मेशन, ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा आइडिया दिया है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपने करना है, आप इजीली इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो क्लास आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट यही होगी कि आप इसी कोड को खुद से ट्राई करें, इसमें डिफरेंट वेरिएशंस लेकर आएं और आप ये काम जो है वो खुद करें, बजाय इसके कि आप मेरे कोड को ही यहाँ से, आपको कोड तो मिल जाएगा, समझ भी आपको सारी आ रही होगी, लेकिन जब तक आप हैंड ऑन, अब ये देखेंगे कितना ब्यूटीफुल सा लेआउट था। अच्छा, इसमें एक चीज ये देखें, ये इमेज बड़ी अच्छी सेट हुई हुई है, जबकि ये वाली जो हमारी इमेजेस है ये थोड़ी ऐसे विड्थ में क्यों है, तो इसके लिए अगर आपको पता हो तो यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है इमेज नो रिपीट की, कि इमेज रिपीट ना हो और इमेज का साइज जो हो वो बिल्कुल ऐसा हो जैसे आपके पास विड्थ का साइज होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, इमेज साइज, बैकग्राउंड साइज आपका कवर होना चाहिए और पोजीशन आपकी रिलेटिव होनी चाहिए। तो सिंपल आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर आप लिखें, मैं वहीं से कोड को कॉपी कर लेती हूँ, ताकि ये बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट और इमेज जो है वो रिलेटिव, ये प्रॉपर्टी होती है ना, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल वी, तो लेस कर लेते हैं, बाकी जगहों पर भी कर देती हूँ, ये जाहिर सी बात है इधर भी हमने करना है और इधर भी। अब इससे क्या होगा, वो इमेज आपकी प्रॉपर सेट हो जाएगी।
देखें बैकग्राउंड रिपीट, इसका मतलब है इमेज रिपीट नहीं होगी, मतलब एक इमेज रहेगी, उसकी साइज पूरा कवर कर दे, पोजीशन रिलेटिव के उसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव है। ये लें जी, ये सेट हो गई आपकी इमेज, कितनी खूबसूरत इमेज आपकी सेट हुई। आप इधर फर्दर जो भी आप चीज करना चाहें, देखें इधर बुलेट्स आप लगा सकते हैं, मैंने तो सिंपल बी आर टैग करके कि आप लिस्ट बना लें, इधर इधर कोई कंटेंट और लगाना चाहते हैं वो लगा लें, यहाँ पर भी आप हेडर फुटर में कोई चीज और मिस करना चाहते हैं वो लगा लें, फुटर भी थोड़ा सा आपका ऊपर है तो इसको भी इधर बी आर के टैग से कर लें। ये क्लास, ये तो था हमारा आज का लेक्चर कि हमने इसमें देखा कि हम किस तरीके से जो है वो स्टाइलिंग करते हैं डिव के टैग को, किस तरह आपने सेट किया। सिंपल देखें आपके पास जो डिव वाला ये वाला कोड था ये तो बिल्कुल छोटा सा था, सबसे ज्यादा स्टाइलिंग आपकी हुई ही इधर थी, तो इससे आपको काफी प्रॉपर्टीज का भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई यानी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई चीज की समझ नहीं आ रही, देन आप मुझे मैसेज कर लें, कोई भी क्यूरी है आपको समझ नहीं आ रही किसी कोड की, कि आपने ये की चीज क्यों यूज की है, ग्रिड गैप क्यों यूज किया है, विड्थ क्यों यूज किया है, बॉर्डर क्यों लगाया है, देन आप मुझसे एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।